नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 फरवरी। चले जानते हैं रोजगार से जुड़ी टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जनरल मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6437। वहीं डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी की बात करें तो GMO में 4112 है, गायनेकोलॉजिस्ट का 336, माइक्रोबायोलॉजी में 4, फिजिशियन में 246, पीडियाट्रिशियन में 418, ENT में 95, पैथोलॉजी में 17, रेडियोलॉजिस्ट में 126, साइकियाट्रिस्ट में 7, एनेस्थीसिया में 618, डर्मेटोलॉजी में 61, जनरल सर्जरी स्पेशलिस्ट में 367, ऑर्थोपेडिक में 100। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत MBBS इन रेलेवेंट डिसिप्लिन का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर हम एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 37 साल की उम्र सीमा तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹200 देने होंगे। वहीं SC ST EBC को ₹50 देने होंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी ₹50 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 28/2/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कोऑपरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 54। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत CA या MBA या CMA या MCA या MTech या BTech या BE या AMIE या MBA या PGDBA या PGDBM in HR या फिर पर्सनल या BBA HR या पर्सनल मैनेजमेंट, BE या BTech या AMIE CSITI इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर मैनेजर के पद के लिए UR OBC NCL EWS को ₹1,000 देने होंगे। वहीं एग्जीक्यूटिव के लिए UR OBC NCL EWS को ₹900 देने होंगे और बाकी सभी पदों के लिए SC ST PH EXSM को कोई फीस नहीं देना होगा। इसके अलावा आखिरी तारीख की बात करें तो 15/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट DFCCIL.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, HC मास्टर, HC वर्कशॉप ट्रेड, मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, CT क्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 317 है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 या फिर इसके समकक्ष कोई भी या मैट्रिकुलेशन या फिर रिलेटेड ट्रेड का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल तय की गई है, अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SI को ₹200 देना होगा, वहीं HC को ₹100 देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 16/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट BSF.NIC.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ड्रॉट्समैन, पब्लिकेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फील्ड असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर, ड्राइवर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, स्पोर्ट्स असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइनमैन, केयरटेकर, मैट्रन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 47 है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत BE या BTech या MSc या 10+2 या डिप्लोमा या BSc या DIT या हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मैट्रिक और ITI की डिग्री होना भी अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल की उम्र सीमा तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन के लिए जनरल कैटेगरी के लोगों को ₹800 देना होगा, वहीं EWS ऑफ HP को ₹200 देने होंगे, वहीं SC ST OBC PWD ऑफ HP को ₹200 देना होगा, वहीं महिलाओं और EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी पदों के लिए जनरल श्रेणी के लोगों को ₹500 देना होगा, वहीं EWS ऑफ HP को ₹125 देना होगा, वहीं SC ST PH OBC ऑफ HP को ₹125 देना होगा, वहीं महिलाओं और EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 19/3/2020 की तय की गई है।
वहीं इसकी आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो www.yspuniversity.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज, एंट्री लेवल के, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27। वहीं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो सभी वकील जिनके पास 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है वो सब एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वहीं वकीलों के पास पिछले 3 साल में जिसमें हर एक साल में 24 केसेस में अपीयरेंस होना भी जरूरी होगा। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम 50 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर एससी एसटी ओएच को ₹500 देना होगा और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹1000 देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 21/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के रोजगार समाचार से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।